Hey guys, welcome to your channel Amber Wand. Sat Sri Akal, Namaste, Assalamu Alaikum. Ki hal chal? आज का जो टॉपिक है ना वो है आपका कि आपकी एनर्जीज कब एक्टिवेट होंगी, या इसमें इसी रीडिंग से रिलेटेड कि टाइम कब फेवर करेगा आपको, कब एक्टिवेट होंगे. तो डेफिनेटली हम उसमें टाइम भी देखेंगे, ठीक है जी. और काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कैसी हूँ, फीवर तो ठीक हो गया था बट यू नो चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ही कुछ काम चल रहा था. मीन्स क्लोज वन जो है उनका हीलिंग वगैरह, ये टैरो रीडिंग सब, तो इसलिए बहुत बिजी हो गई थी तो इसलिए एक्टिव नहीं हूँ. यहाँ पे आपके सामने थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं. दिस इज ग्रुप नंबर वन, दिस वेरी ब्यूटिफुल यू नो गोल्डन ब्रेसलेट, ओके. एंड दिस इज ग्रुप नंबर टू, दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल शेल्स बोलते हो, वट एवर इट इज, ठीक है, और ब्रेसलेट. And this is group number three, this beautiful beaded pen. आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट करे ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज़्यादा भी चूज कर सकते हो. फिर करते हैं आपके रीडिंग स्टार्ट. मेरे को ज़्यादा आज ना मन नहीं किया, पता नहीं मेरे को था होगी या नहीं होगी, तो मैंने डेकोरेशन की जगह यहाँ पे सब रूनस फैला दिए हैं. अगर कुछ लोग पूछेंगे कि क्या है, रूनस हैं ये, है ना, जो हम डिविनिटी टूल में ही ये काम आते हैं, जैसे मैं कभी कभी इनका यूज़ भी करती हूँ. आज के रूनस में वैसे जो रूनस प्रोमिनेंट है ना, वो आपका फेहू है, गिफ्ट्स हैं, वेल्थ है, और पाथ है, जर्नी है, ठीक है. फेहू काफ़ी है, जर्नी से रिलेटेड काफ़ी है, गिफ्ट से काफ़ी है, एनिमिटीज एनिमीज जेलसी से फ्री होने के काफ़ी हैं. तो अच्छे रूनस के साइन मिल रहे हैं, मिस्ट्री, जर्नी, स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है, और न्यू बिगनिंग्स के काफ़ी रूनस आ रहे हैं इसमें. सो दिस इज गुड. चलिए करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट. हे ग्रुप नंबर वन, जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये गोल्डन ब्रेसलेट, चलिए करें आपकी रीडिंग को स्टार्ट. देखते हैं एनर्जी किस टाइप की हैं और एनर्जीज एक्टिवेट कब होंगे. बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि रीडिंग मैच होती है, आता भी है, बट एनर्जी जो है वो कब शिफ्ट होंगी, है ना. देखते हैं क्या है ग्रुप नंबर वन के लिए. वाव, ग्रुप नंबर वन. अच्छा, मैं इसको अभी रखने नहीं वाली हूँ. और एक चीज़ यहाँ पे ये है, हो सकता है ग्रुप नंबर वन के रिलेशनशिप या पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हों. इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई है बट हम उसको सुनते नहीं हैं, क्योंकि हम अभी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये चीज़ें फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड हैं. एक्सप्रेसिव हम बिल्कुल नहीं हैं, अकेले रहना हम चाहते हैं, रीज़न पता नहीं क्या है, बट मैरिज हमारी होकर ही रहेगी और यूनियन होकर रहेगी. या फिर अगर आप सोच रहे हो कि इम्बैलेंस है तो वो बैलेंस होकर रहेगा. ग्रुप नंबर वन जो है वो काफ़ी सारे लोग इसमें जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटोर हैं, स्पिरिचुअल साइकिक लेवल पर हैं, जहाँ पे अगर आप लोगों को कोई किसी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे दिया जाएगा ना कि आप इसको संभालो, तो आप इसको संभाल लोगे. आप लोग मेंटोर हो, गुरु हो, आगे किसी को सिखा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है. एनर्जीज इस वक्त काफ़ी डाउन है इस ग्रुप की और काफ़ी टायर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है. मे बी जो एनर्जीज कहाँ हीलिंग चल रहा हो, ये ज़्यादा वर्क आपके राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, राइट हेमिस्फेयर में ज़्यादा जरूरत है. थर्ड चक्रा के ऊपर प्रेशर है. अगर ऐसा है आप लोगों के साथ ना, तो एक तो ये चीज़ करिए कि वाटर ज़्यादा लें आप, ठीक है. दूसरा, मुझे यहाँ पे जो आपके लिए प्रोमिनेंट चीज़ लग रही है, देखिए अगर आप फाइनेंशियल किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो तो नहीं हो, बिकॉज सक्सेस इज़ इन योर चार्ट. अगर आपने चेक करवाया होगा तो शायद आपको पता लगा होगा कि सक्सेस तो है, तो कुछ और रीजन्स को क्या बोलते हो आप उसको, निग्लेक्ट करने की वजह से, अवॉइड करने की वजह से जो है वो चीज़ रुक रही है. तो अवॉइड नहीं करो, दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करो या रिलीज करो. वीकनेसेस को एक्सेप्ट करके रिलीज करो और अपॉर्चुनिटीज को ऑफकोर्स एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करें या उसके साथ वर्क करें. मैंने आपको वाह, ग्रुप नंबर वन जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है. आई होप कि आगे भी हमारे ग्रुप ऐसे ही आए. मुझे यहाँ पे एक ग्रुप लग रहा है कि हो सकता है कि सिंगल हो, सेपरेटेड हो, रिलेशनशिप में नहीं हो. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है.
ब्रेन बहुत अच्छा है, डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। लीडरशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, किसी भी चीज़ में लीडरशिप या लीडरशिप से रिलेटेड कोई भी जॉब, कोई भी चीज़ें आपके लिए ही बनी है, फेयर डिसीजन के लिए, जस्टिस के लिए। आप जब अगर किसी को एडवाइस देंगे, डिसीजन देंगे या फिर डिसीजन लेंगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा, आपके अंदर वो पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है जी। और अर्ली एज से ही अगर आप यंग हो, 20s में हो, तो आपने ये चीज़ अपने अंदर काफ़ी टाइम से ही सुनी होगी या पता होगी, महसूस होगी। हो सकता है काफ़ी लोगों को यहाँ पे जो है ना साइंस के उसमें बर्ड्स भी दिखते हों, बट मुझे यहाँ पे क्रो की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो आपके कोई एंसेस्टर भी इसी उसमें हो सकते हैं, लीनियज में, जिसको जो चीज़ें शायद आपको एज अ ब्लेसिंग्स मिली हों। अगेन यू गॉट एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ज़बरदस्त है यहाँ पे ये, ठीक है। ये ग्रुप किसी भी ऐसी पोस्ट जॉब के लिए जहाँ पे आपको डिसीजंस लेने हैं, डिसीजंस अपने देने हैं, एडवाइस करना है, काउंसिल करना है, चाहे वो बिजनेस ही क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई मेंटर गुरु या उसका रिलेशनशिप हो, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त है। बट एक चीज़ यहाँ पे ये है, आपके ब्रेन इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपने अपने ब्रेन का सुन लिया कि हाँ, बिकॉज आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है इस ग्रुप का, ठीक है, तो आपने इंटेलेक्चुअल लेवल भी बोल सकते हो आप इसको, आपने अगर ये मोमेंट आपने अगर ऐसा सोच लिया कि हाँ ये चीज़ आपके ब्रेन में ही है, एक्चुअल में वो चीज़ें अपने आप ही एक्टिवेट होनी या एक्सेप्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने पहले भी बोला था, जो है उसको एक्सेप्ट करिए। मैक्सिमम इश्यूज़ कहाँ आते हैं, जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो चीज़ें हमारे पास है। देखते हैं और कार्ड क्या आने हैं। कुछ लोग यहाँ पे किसी स्पिरिचुअल अगर एक्सेशन की जर्नी में है तो वो कंप्लीट होगी। सन का कार्ड आप जानते हैं ग्रेटेस्ट कार्ड होता है, जब हमारे किसी भी सक्सेस की बात की जाए। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, जहाँ पे काफ़ी इश्यूज थे, चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, डिले हो रही थी, ठीक है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, सक्सेस मिलेगी, लॉन्ग टर्म मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। आपके सामने कुछ चीज़ों को हाइड नहीं कर सकता, मैंने आपको अगेन ये चीज़ बोलूँगी, इंटेलेक्चुअल लेवल इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई हाइड करेगा तो आपको पता लग जाएगा चीज़ों का, कि आप समझते हो चीज़ों को, पता लग जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, कंफर्म है ये। ये ग्रुप की एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रांग है, विच इज़ ट्रू गुड। अगर मैरिज रिलेटेड भी जाना चाहता है ये वाला ग्रुप, तो मैरिज ऑफकोर्स सही है और बहुत ही सक्सेसफुल भी है, अगर हम कुछ चीज़ों को समझ लें, अपने ही खुद की पावर को, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को, प्योरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, खुद के ऊपर डाउट्स जब भी आए उन डाउट्स को बस आप अपने दिमाग से हटा दें, तो है ना, दिमाग से हटा दें मीन्स अपनी खुद की विल पावर से हटा दें तो। बट आप ना उन डाउट्स में घिरे रहते हो, मुझे ऐसा लगता है, आपको मज़ा आता है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, कभी कभी आप खुद के डाउट से ही घिरे रहना पसंद करते हो, घिरे हुए या फिर छोड़ना नहीं चाहते हो, यहाँ पे ऐसा है इस वाले ग्रुप के साथ। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको वर्क करना है, एक दिन का काम है, कुछ देर का काम है, द मोमेंट आप इस चीज़ को समझ लेते हो, उस उन डाउट्स को, उन चीज़ों को आपके दिमाग से जो आकर कभी कभी हावी हो जाती हैं कि नहीं ये तो ऐसा है वैसा है, या मुझे ऐसे फॉलो करना ही पड़ेगा या करना चाहिए, ऐसा ही होता है, जब आप उन चीज़ों को हटा देते हो तो डेफिनेटली ह्यूज सक्सेस इज फॉर यू। ग्रुप नंबर वन। देखते हैं, लेट अस सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। आपके आपके अंदर एक तो हो सकता है आप कभी बहुत ही चीयरफुल रहा करते होंगे, किसी टाइम में बहुत चीयरफुल, हैप्पी, सेल्फ लव, हर चीज़ में आपको इंटरेस्ट होना नेचुरल, आपके नेचर में, आपके ऑरा में भी चीज़ें दिखती होंगी जो कि अब नहीं रही हैं पहले की तरह, ठीक है। तो ये आपका चैलेंज भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सनालिटी या बोसी पर्सनालिटी कैरी कर नहीं चले आप, ठीक है जी, लाइट रखें उस चीज़ को, अच्छा रहेगा। और जो चीज़ें यहाँ पर आप अपनी फैमिली में के लिए अगर कुछ पूछना चाह रहे हो, कि मे बी कुछ लोग प्रेगनेंसी के बारे में भी पूछना चाह रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये दो कार्ड्स आए हैं, बैकग्राउंड में आए हैं, देखते हैं आगे दोबारा आते हैं तो हम लेंगे इनको। वाह, ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप फाइनेंशियल सक्सेस भी बहुत बहुत ज़बरदस्त मिल सकती है, बहुत ज़बरदस्त। आप कैपेबल हो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए, फैमिली के लिए, और लाइक अ यू नो डैडी एनर्जी, जिसको आप कुछ टैरो रीडर से सुना होगा, या मास्टर कार्ड बोलते हो आप इसको, या फिर इसको आप काफ़ी ग्रैंडफादर की एनर्जी मानते हो, या द पर्सन हु इज़ हेड ऑफ़ द फैमिली, वैसा है। तो इट इज़ ये चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हैं,
बहुत इजी है ये चीज़ें आपके लिए, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, कितने टाइम से प्लानिंग प्रिपरेशन चल रही है, चीज़ है आपके पास, इम्प्लीमेंटेशन कब करना है आपने इसको, फाइनल डिसीजन आपने कब लेना है। आपकी लाइफ जो है आपके डिसीजन लेने के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आप डिसीजन किस तरह से लेते हो, ठीक है। पास्ट में बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव चीज़ें लगती होंगी आपको आपकी फैमिली के ऊपर या आपके रास्ते में, या फिर उन सब चीज़ों का यहाँ पे इफेक्ट लगता होगा। आपको लगता होगा कि बहुत स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग का भी स्ट्रांग कुछ होता है, मीन्स उसका कॉम्पिटिटर भी होता है जो उससे भी स्ट्रांग हो सकता है। और अगर दोनों चीज़ें जब एनर्जी जिद पे आती है तो एक चीज़ को तो विन करना ही है ना। तो यहाँ पे ह्यूज सक्सेस है, फैमिली के साथ है, बिग सक्सेस अगर मैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस और आपके करियर, प्रोफेशन, बिजनेस, वट एवर इट इज़ उसमें बोलूँगी तो बिल्कुल है। यहाँ पे कुछ इश्यूज अगर थे तो वो रिजॉल्व होंगे। बाकी वही चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्ट कैसे करते हो, खुद की एनर्जी को, खुद की विल पावर को, वट एवर इट इज़ योर ओन एनर्जी, आप अगर उसको एक्सेप्ट करोगे तो नो बडी कैन स्टॉप दिस थिंग। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर वन। पास्ट में ऐसा हुआ होगा जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हम भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो भी चीज़ है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या आपको जो दिया गया है, आपको जो मिला था, है ना, आप जब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो दिस इज़ योर चैलेंज कि आप चीज़ों को, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। मेरे को यहाँ पे यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। यह मैसेज अगर आता भी है तो आप फिर उसको, उसके अकॉर्डिंग उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो। पता भी है, समझ भी है, तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। दिस कार्ड इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, क्योंकि इसी में ही की है आपका सॉल्यूशन, इस कार्ड में है, इस ऑफ सोर्ट्स वाले कार्ड में, कि द मोमेंट आप किसी भी चीज़ को क्लियरेंस दे देते हो ना कि हाँ रिलीज, ठीक है, समझ आ गया और इसी को ही इम्प्लीमेंट करना है। सो नहीं तो ये सब चीज़ें फिर रुकी रह जाती हैं ना। और जिनको मिल गई हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। या सी, फैमिली में इश्यू, स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, फाइनेंसेस, वट एवर इट इज, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप सोचते हो कि हम अकेले काम करें और सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल अकेले आपको उसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी जहाँ पे आपको मिलना चाहिए। बट अगर यहाँ पे एनर्जी जुड़ जाती है ना, तो सक्सेस काफ़ी ह्यूज रहेगा, ठीक है। वही चीज़ है ना, अगर आप अपनी एनर्जी के ऊपर, वाह वो लवर्स का कार्ड, एनर्जी, मैंने अभी इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी ना जी, कोई आ गया था, आई एम सो सॉरी। लवर्स का कार्ड जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है। अच्छा, मैं क्योंकि मैंने टाइम की भी बात की थी, तो एक तो ये चीज़ हो गई, जैसे आप समझते हो, आपकी समझ भी काफ़ी यहाँ पे मैटर करती है, वो चीज़। और 2 वीक्स का टाइम आप, सॉरी 2 वीक्स बोला है, ओके, बट 2 मंथ्स है यहाँ पे, ठीक है, 2 मंथ्स है। 2 मंथ्स का टाइम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। 2 वीक्स भी बोला है मैंने, तो आप उसमें हो सकता है काफ़ी सारा कुछ प्लानिंग या कुछ करना चाहते हो। लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, भाई आपकी स्टोरी आप जैसे चाहोगे वैसे चल जाएगी। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव लाइक दिस, इट इज़ फॉर यू दिस सेक्शन। और अगर आप इस सेक्शन में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज आए हैं आपके पार्टनर के साथ, ये वो, जहाँ पे आपने वर्कआउट नहीं किया था, ठीक है, या नहीं हो पाया था मे बी आपके पार्टनर पर्सन की तरफ से, तो आपके पास 2 चॉइस हैं, ठीक है। अकेले रहना है कि लाइफ को बैलेंस करके आगे करके दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना है। अकेले भी हो तब भी सक्सेस है आपके पास, बट आप यहाँ पे ही हो। एम्परर कोई छोटा कार्ड नहीं होता है, ठीक है, बट यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया ना, तो आपको यहाँ पे एडवाइस क्या दिया जा रहा है कि इफ़ यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, अगर मिली थी ही, तो वाई, क्यों नहीं आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। यू नो 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप यहाँ पे देखोगे सामने में, तो वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड का कार्ड की अब यहाँ पे 2 मीनिंग है। अगर आप इस वाली चीज़ को चूज़ करते हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है लाइफ से जानी है, ठीक है। और अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो ना, क्योंकि वो साइकिल फिर आपका एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जो कि इतने टाइम से चल रहा है। अब ये नहीं सोचकर चलें कि ये चीज़ें फिर आगे चलती रहेंगी, बट इफ़ आई विल बी ऑन योर प्लेस, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को भी कवर करती, क्योंकि आगे हु नोस, वी गेट आवर लाइफ टू यू नो कंप्लीट पैकेज के साथ ना, तो वो रहना चाहिए। तो जब आपको ये कार्ड हायरोफ्रेंड के साथ, ये लवर्स का कार्ड और फैमिली का कार्ड मिला है ना, कंप्लीट फैमिली का कार्ड, सो हमें यहाँ पे भी वर्कआउट करना चाहिए।
टाइम भी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी शिफ्ट काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। मैस्कुलिन हो तब भी ज़बरदस्त है, और अगर फेमिन नाइन हो तो एनर्जी से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मैस्कुलिन वाली बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है जी, सो ग्रुप नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद योर फियर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। और वॉइस आपको आज थोड़ी सी डिफरेंट लग सकती है, वही जो थोड़ा पास में, बिकॉज बैकग्राउंड में काफ़ी काम चल रहा है मेरा, चाहे मैं इस पर एक्टिव नहीं हूँ इस वजह से। ऑल राइट, हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे हेड एंड बाय। हे ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा चूज़ किया है आपका ब्रेसलेट, चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं आपकी एनर्जीज क्या है, कब एक्टिवेट होनी है कब एक्टिवेट होनी है, और टाइम का वट एवर। ग्रुप नंबर वन की रीडिंग बहुत ही बहुत अच्छी थी। ओके, कोई भी अगर आप नया चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहते हो, पोटेंशियल्स काफ़ी हैं उसमें, बेझिझक एक्शन लीजिए, स्टार्ट करिए, आगे रिजल्ट्स भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो यहाँ पर फैमिली के कार्ड काफ़ी आ रहा है ग्रुप नंबर टू, मे बी मैरिज, फैमिली, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। बट अब जो रीडिंग में है वो बेबी गर्ल की एनर्जी है। ठीक है, क्या आप लोगों को, कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे हेडेक, माइग्रेन या कुछ ऐसे भी इश्यूज हो। स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना आपने, ठीक है, रिलीज करना है। या हेल्थ इश्यूज हैं इस ग्रुप को, क्या है, आप किसे मिस करते हैं, अपनी फैमिली को, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, स्ट्रेस में चले आते हो, या फिर चाहते हो आई विश ऐसा हो, आई विश वैसा हो। मुझे यहाँ पे बेबी गर्ल की एनर्जी काफ़ी क्यों दिख रही है। समथिंग इज वेटिंग फॉर यू, आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जो कि अब जो है रीन्यू होना चाहता है, रीबर्थ लेना चाहता है। एंड दिस इज वेरी एनर्जी ऑफ ए सेंट, सेंटली एनर्जी होती है ना, सेंटली एनर्जी कैसी होती है, जो कि ऑलवेज गिविंग मोड में होती है, बट विद नॉलेज, विद रियल नॉलेज, और विद ईजली अवेलेबल एक्सेस होता है ना, जैसे किसी चीज़ का, उस तरह से। ठीक है, जो कि आपको, जो कि अभी किसी ना किसी फॉर्म में कवर है वो। वाह, ब्यूटीफुल, देखते हैं आपके आगे और कार्ड्स क्या आते हैं ग्रुप नंबर टू के लिए। आपकी एनर्जीज कब एक्टिवेट होंगी, कहाँ है आपको जो बहुत भागना है, ठीक है, और इंस्टेंट कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं कुछ करना है, लाइक यू नो 2 वीक्स का, जो फिर से 2 वीक्स आ रहा है आज की रीडिंग में, क्या प्रॉब्लम है, 2 वीक्स, बल्कि मैं 2 मंथ्स बोलना चाहती हूँ। 2 वीक्स का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों लगता है आपको। 2 वीक्स मीन्स 2 वीक्स लाइक 2 महीना, 1.5 महीना या 2 वीक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लगता है कि वट एवर इट इज। ठीक है, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे, एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोग मैरिज भी करना चाहते हैं क्या यहाँ पे, मैरिज के भी कार्ड्स आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस थी पास्ट में, कभी जहाँ पे पास्ट में कभी रेजिस्टेंस थी, क्या एनर्जी जहाँ से ब्लॉक थी, जहाँ पे रुकी हुई थी, ठीक है, तो वहाँ से ही कुछ क्लैरिटी होना, उसी चीज़ का रीबर्थ की एनर्जी को होता है भाई यहाँ पे। अगर किसी बेबी गर्ल फॉर्म एक्चुअल में नहीं है, तो आपकी खुद की रीबर्थ की एनर्जी है, जिसको आपने काफ़ी टाइम से, या फिर आप एक स्लीपिंग मोड में रखा हुआ था, वर्क नहीं कर रहे थे उसके ऊपर, बट आपको पता है ओनली दिस इज़ द राइट टाइम, फिर उसके बाद तो यू नो डिले नहीं करना है ना चीज़ को। अगर आप इस चीज़ का मीनिंग समझते हो, जो कि काफ़ी लोग समझते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक जा सकती है आगे। ठीक है, सो और कुछ लोग जिनका थोड़ा सा इश्यूज हैं अपना प्रेगनेंसी को लेकर, वो राइट टाइम पर ही डॉक्टर को विजिट करें और कंसल्ट करें, ट्रीटमेंट लें, नहीं तो आगे इश्यूज आ सकते हैं। अब इस बात से डरना नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम डॉक्टर की एडवाइस समझकर भी लेते हैं, तो वैसा ही था ये। मैं जानती हूँ मैसेज काफ़ी कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा।
तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इस केस में. ग्रुप नंबर टू. वाओ. आपको यहाँ पर बोला जा रहा है किसी चीज़ के लिए स्ट्रांगली डिसीजन लेने के लिए, तो लीजिए लीजिए. ठीक है. मैसेजेस इसमें मैं कुछ और रीडिंग कर रही हूँ, आ कुछ और रहे हैं, और एक नहीं कंप्लीट सेंटेंस नहीं करना. आई मीन पास्ट में किसी इंसिडेंट को लेकर था, ऐसे ही ना मैंने रीडिंग कर दी थी, जो मैसेजेस आए थे उसको एक्सेप्ट कर लिया था. तो फिर क्या हुआ था, किसी ने बोला था कि जो आप वही करें. सारे मैसेजेस ऐसे ही आ रहे हैं जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हैं, और हम कर रहे हैं रीडिंग एनर्जी इसकी. वाओ, गुड 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 गुड. देखिए 2 वीक्स का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई. ग्रुप नंबर क्या था, 2. ओ अच्छा, ठीक है, वेरी नाइस. 2 वीक्स का टाइम जो है ग्रुप नंबर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसीजन लो. अगर मैरिड लाइफ, मैरिज से रिलेटेड कहीं पे कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने से रिलेटेड है, कहीं पार्टनरशिप से रिलेटेड है, राइट टाइम टू इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो और चलो आगे बढ़ो. सक्सेस आपको मिलेगी. ठीक है. और अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना प्रॉमिसिंग नहीं है जैसा आपको चाहिए था, तो क्लैरिटी लेकर आएँ आप अपनी इस चीज में. ठीक है, क्लैरिटी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड बहुत स्ट्रांग है. 2 ऐसे कार्ड हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग हैं. कब तक वेट करना है? आप यहाँ पे सिर्फ वेट कर रहे हो, सोच रहे हो खाली. ठीक है. और चीज़ें डिले हो सकती हैं. आप सोच रहे हो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं. दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू. इफ़ यू आर वाइज, इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, वेट नहीं करना है. जो भी चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट करें उस चीज़ को, एंड जस्ट पास्ट में चीज़ें इसलिए नहीं हो पाई थी. या दो रीज़न है. 7-7 का यहाँ पे कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है. जो भी आप इश्यूज आपके लाइफ में रहे हैं ना, क्योंकि ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी लाइफ हमारी पर्सनल लाइफ के इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा घूमती है. तो कुछ नेगेटिविटी के भी इश्यूज थे, कुछ ऐसे इश्यूज थे जब आपने भी काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड किया, स्किप किया, टाइम पे डिसीजन नहीं ले लिए आपने. आप जो है उन चीज़ों से कतराते रहे, भागते रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी के इश्यूज भी रखे इसमें, जिस वजह से चीज़ें भी डिले हुई हैं, काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के, और वही चीज़ें अब आपको परेशानी दे रही हैं. अब वही चीज़ें जो कि पास्ट में कभी थी, वो आज भी आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे परेशानी का कारण है. कुछ भी हो सकता है, आपका वर्क, आपके सोसाइटी, आपकी फैमिली, वट एवर इट इज़, दे कैन बी द रीज़न. इसलिए राइट नाउ मे बी यू पीपल आर, कुछ आपका ऐसा भी हो सकता है. 2 की एनर्जी अगेन बोलूँगी यहाँ पे प्रोमिनेंट है. हो सकता है फाइनेंशियली भी किसी ना किसी चीज़ों में जो है वो कर रहे हो, स्ट्रगल जगल कर रहे हो. ठीक है. समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या, कि ये चीज़ तो ऐसी है जो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रही, इससे बाहर कैसे निकलूँ मैं. बाहर निकलने का रास्ता आपका ये रहा है, आपको पहले ही मिल गया था. 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी टुगेदर. ठीक है, साथ में, एक साथ, इकट्ठे. ठीक है. कहीं पे भी पार्टनरशिप है, कहीं पे भी कुछ है. अदरवाइज जब चीज़ें बाइफर्केट होती है ना, तो एनर्जी काफ़ी कम रह जाती है उन चीज़ों की. तो बेटर है साथ में चलें, वो ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि पास में काफ़ी कुछ इस पाइल के में जो है ना, लाइफ में काफ़ी कुछ हुआ है. फाइनेंशियली इतना नहीं हो जाने की वजह से काफ़ी इश्यूज हुए, स्टेबिलिटी नहीं हो पाई. तो अभी भी तो आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा ही, अभी भी तो टाइम लगेगा ही ना. तो अभी पर आपको एटलीस्ट ये पता है कि हाँ, 3 से 4 ईयर्स का टाइम लग सकता है. ठीक है. बट यू विल बी सक्सेसफुल. क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब हम एनर्जी की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जानना चाहते हैं हमारी मटेरियल लाइफ के बारे में भी. मटेरियल लाइफ में यहाँ पे सक्सेस है, पर विदाउट एनर्जी के सक्सेस कहाँ है? विदाउट एनर्जी के सक्सेस इसमें नहीं दिख रही है. तो उसमें एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है बार 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 बार, इसलिए कुछ नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो जाती है. और फिर हम प्रॉपर अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको नहीं कर पाते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं समटाइम्स थोड़ा सा. वाह, स्ट्रेंथ का कार्ड.
इन्फिनिटी का साइन है, इन्फिनिटी का साइन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जब तक आप इसमें से यहाँ बाहर नहीं निकलोगे ना, एस ऑफ सोर्ट्स का क्लैरिटी नहीं लेके आओगे अपने अंदर, तब तक ये चीज़ें नहीं तो आपकी लाइफ में भी ऐसे ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, वो वहीं पर रुकी हुई है लाइफ, इन नॉट शाल इस ग्रुप की लाइफ वहीं पर रुकी है, वही चीज़ें हैं जो वही स्टोरी रिपीट हो रही है, वही सेम ऐसा हुआ, ये नहीं हो पाया, ऐसा हो गया, प्लानिंग प्रिपरेशन किया, नेगेटिविटी आ गई, या हम भी नहीं कर पाए, फिर हेल्थ इश्यूज हो गए, फिर दूसरे पर्सन की वजह से इश्यूज हो गए, है ना। तो कब करना है उसको, वो आपके हाथ में है, बिलीव मी दैट इज इन योर हैंड ओनली। और अगर हम टाइम की बात करें इसमें, तो मैं आपको पहले भी बोल चुकी, अगर आप डिले करते हो ना, अगर आप डिले करते हैं आपकी तरफ से, तो टाइम यहाँ पे देखिए 2 ईयर्स भी हो सकता है। फाइनेंशियली अगर आप एक्चुअल में बहुत बिग सक्सेस स्टेबिलिटी है जो आपके अकॉर्डिंग है, क्योंकि हर किसी का लेवल और वर्क और एजुकेशन वट एवर इट इज अलग है, तो अभी भी 3 से 4 ईयर्स का टाइम लगेगा, बट यू विल रीच हेयर, आप यहाँ पर पहुँचेंगे। बट अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ को भी सेट करने की बात करते हैं ना, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। 2 वीक्स की एनर्जी है यहाँ पे, 2 वीक्स और 3 मंथ्स के बीच में, ठीक है। मार्च से रिलेटेड भी है इसमें कुछ, मार्च मंथ से रिलेटेड भी बोल सकते हो आप इसमें, बट एनर्जी से, ये जो एनर्जी है ना, ये वाली दो एनर्जी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। आई डोंट नो दिस हु इज दिस पर्सन इन योर लाइफ, किसी से एडवाइस लेना, काउंसिल करना आपकी लाइफ की, जो भी थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पाए थे, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, वो वीकनेसेस को, है ना। तो वो यहाँ पे चीज़ है। आई होप ये काफ़ी सारे लोगों को ये मैसेजेस जो हैं हिडन, वो क्लियर हो रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। 1111 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विथ यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हेल्थ का जो भी मैसेजेस पर्सनल आ रहे थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से ही कुछ चीज़ों का स्टार्ट हो रहा था, टैरो रीडिंग एंड ऑल दैट, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव नहीं थी एंड आई एंजॉयड अलॉट। So, thank you so much आप लोगों की कंसर्न के लिए। Once again, have a beautiful day. Hey, group number 3, जिन्होंने भी चूज किया, ये ब्यूटिफुल सा पेन, आई लव दिस पेन। और ये तीनों ही मेरी चीज़ें हैं, मतलब मांगी हुई नहीं है, मेरी सिस्टर में से नहीं है किसी की। सो चलिए करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। जॉक्स अपार्ट, ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी क्या है, कैसी है, और इसका टाइम क्या है एक्टिवेट करने का। आई हो द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, ओके, टेम्परेंस का कार्ड है। अच्छा जी, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। एक तो ये वाला ग्रुप जो है ना, शायद आपकी एनर्जीज काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन क्या होता है हमारा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। एंजल्स के साथ एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। एक चीज़ सीखें, आगे बढ़ते रहें, यही आपकी लाइफ का लेसन है, रुकना नहीं है आपने। जिस स्टेज में अगर स्टक हो जाओगे, प्रॉब्लम आपको वहीं पर ही होती है, और जो आपकी लाइफ के मेन इश्यूज हैं, साइकिल्स हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप चिंता नहीं करें। आपके स्पिरिट गाइड्स, अगर आप उनको मानते हो, कोई भी है, एंजल्स है या कोई भी है, वो उसका केयर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, लाइफ साइकिल से रिलेटेड होती हैं, तो एडजस्ट होने में भी उतना ही टाइम लेती हैं। स्वाहा, क्योंकि एकदम से बोल दिया ना मैंने, इसलिए ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल लाइफ में अगर आप सोच रहे हो ना, भाई मेरे फाइनेंसिस भी ठीक हो जाए, पर्सनल लाइफ भी मेरी ठीक हो जाए, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, उसी के ऊपर ही वर्कआउट काफ़ी 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 टाइम से चल रहा है। पेशेंस आपने रखा हुआ है, मूव ऑन आगे आप करते जा रहे हो, चीज़ें आपने सीखी हैं। आपकी एक सबसे अच्छी बात ये क्या है, पॉजिटिव चीज़ों को आप रख लेते हो, नेगेटिव चीज़ों को आप रिलीज कर देते हो, ठीक है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बट मेरे को ये वाला कार्ड जो है ना, ये मेरे को चाहिए आपका। देखिए, आपके एक और चीज़ बोला जा रहा है कि साइकिक लेवल पर आपने बहुत सारा वर्कआउट कर लिया है, जो कि ज़बरदस्ती का भी था। ज़बरदस्ती का इसलिए बोलते हो ना, कई बार हम बोलते हैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा लाइफ में टाइम आया, तो आपको उससे तो निकलना ही पड़ेगा ना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। बट इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो आपके पास ब्रेन है, विजन है, आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए ना। ऑफकोर्स जीरो से स्टार्ट होगा या स्मॉल लेवल से होगा, वट एवर इट इज़, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो कुछ भी, आर्ट एंड क्राफ्ट, यूट्यूब चैनल, म्यूजिक वीडियो,
और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इस कैटेगरी में, पेंटिंग, एक्सेसरीज और वट एवर इट इज़, परफ्यूम्स और कुकीज़, बेकरी, कैंडल्स और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ आ रहा है, प्लांट्स, वट एवर इट इज़, ठीक है? तो जो भी चीज़ें हैं स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, आगे देखते हैं आगे क्या है, बोला जा रहा है आपको आपके उसके ऊपर करने के लिए। वाह, या अभी अगर आप कहीं भी स्टक थे या स्टक हो, निकल तो रहे हो ना आप वहाँ से, है ना, निकल रहे हो, तो मिड ऑफ द प्रोसेस हो आप, आपको लगता है नहीं आप कर जाओगे, करोगे आप, हेल्प आपको मिलेगी किसी मेल मेंबर से, किसी मेल पर्सन से जो कि पहले सिर्फ वॉचिंग मोड में थे, हो सकता है आपको कहीं से स्ट्रॉन्ग हेल्प मिल जाए। या फिर एक इस ग्रुप का ना मुझे एक और चीज़ लग रही है, अभी यहाँ पे कोई एक कॉम्पिटिटर है या कोई पर्सन है जो आपको साइलेंटली वॉच करता हो, वो आपको ग्रो करते हुए देखेगा, ग्रो भी आप करोगे। मेल्स के लिए बोल रही हूँ ये मैसेजेस, मैसेज मेल के लिए, ठीक है? फीमेल्स का तो अपना जर्नी अभी चल ही रहा है, इसमें स्टार्ट हुआ है जस्ट, बट मेल्स हैं अगर इसमें तो यहाँ पे यू विल बी प्रोस्पेरियस एंड यू विल गेट सक्सेस। और अगर ये बोल रहे हो कि नहीं पास्ट में एनर्जीज ना अपॉर्चुनिटी थी, मिस हो गई थी, सैड फील कर रहे हो कि क्या होगा, दूर है, वट एवर इट इज, कैसे पहुँचेंगे वहाँ तक, थोड़ा सा एनालाइज करो, थोड़ा सा सर्च करो, रिसर्च करो, चीज़ों को ध्यान से इस सैडनेस वाले मोड से बाहर निकलोगे, खुद को निकालोगे, तभी तो आप देख पाओगे ना कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अभी क्या अवेलेबल है आपकी एनर्जीज का। क्योंकि हम बोल रहे थे आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी आपकी क्रिएटिव एनर्जी है, आपकी सोलर की एनर्जी लगा लो, आपकी येलो एनर्जी लगा लो, आपकी हाई लेवल की क्रिएटिव एनर्जी ही आपकी पावर है जो कि आपके सोलर चक्रा में है। योर इंस्पिरेशन, आपके पास अगर इंस्पिरेशन है, ठीक है, काम करने की, तो आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे, ब्यूटीफुल मास्टर पीसेस को क्रिएट कर पाओगे, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होती हैं कभी भी, आप इसका सोचकर चल रहे, क्योंकि जो चला गया वो वापस आएगा ही नहीं, पर जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ है उसको तो हमें उसके ऊपर ध्यान दीजिए ना, ध्यान नहीं जा रहे तो ध्यान दीजिए, सोच कर देखिए। 444 नंबर इस ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर इस ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये ग्रुप क्या कर रहा है ना, उसको मिस कर रहा है, ध्यान नहीं जा रहा है इस ग्रुप का उसके ऊपर। 444 नंबर स्टेबिलिटी वगैरह का नंबर होता है ना, सक्सेस का नंबर होता है, स्टेबिलिटी का नंबर मेन होता है ये आपका। और भी देखते हैं, ये ग्रुप जो है ना, आपने कभी ऐसा हुआ का मे बी इंट्यूशन को नहीं सुना था आपने, इंट्यूशन को नहीं सुना था आपने, ठीक है? तो इस ग्रुप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता क्या है, जिस भी प्लेस पर, जो प्लेस आपके लिए नहीं बना, जो लोग आपके लिए नहीं बने, जो उस जगह पर नेगेटिविटी है, मूव ऑन करिए उस जगह से, क्योंकि राइट नाउ आप जिस भी प्लेस पर हो, दैट प्लेस इज़ नॉट फॉर यू, चाहे आप एनर्जी लेवल पर हो, मे बी वही चीज़ है ना कि आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, और जिस सिचुएशन में हो, नेगेटिविटी में, तो निकलिए वहाँ से, उदास हो निकलिए। खुद को मोटिवेशन दीजिए, इंस्पिरेशन दीजिए किसी भी चीज़ के लिए, आपकी खुद की एनर्जी ही आपको मोटिवेट दे कर सकती है, इंस्पिरेशन दे सकती है। क्रिएटिव एनर्जी में खुद को एंगेज करिए आप किसी, पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस ग्रुप को किसी भी, आपको शायद चक्कर वक्कर भी आते हैं क्या, क्यों लग रहा है मुझे, या थोड़ा नेगेटिव इश्यूज भी हैं इसलिए लग रहा होगा, है ना, नेगेटिव इश्यूज भी हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, ये वाले ग्रुप का भी मैं बोलूँ, मैं इस कार्ड का ना वो लेना चाहती थी, क्लैरिफायर लेना चाहती थी, क्लैरिफायर यहाँ मेरे पास आ गया है। हो सकता है इस ग्रुप का कोई एनिमी है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है उसका, लगाता भी है, जिसकी वजह से आपको इशू आ रहे हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर्सनल लाइफ की वजह से, फैमिली में भी हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, और आप लोग को जो काम करना चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा हो, हो सकता है अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, और फैमिली में इश्यूज भी हो, दो मैसेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है? तो देखते हैं इस एनर्जी का रिलीज होना है कि नहीं होना है ना, और टाइम की भी हम बात कर रहे थे ना। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। नेगेटिविटी जो है वो फैमिली के ऊपर ही है आपकी, ठीक है, रिलीज होगी, कैसे नहीं रिलीज होगी, पहले रिलेशनशिप वगैरह के ऊपर या अपॉर्चुनिटीज भी आती थी तब भी शायद इश्यूज होते होंगे थोड़े से, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती भी होंगी तो वो उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती होंगी आपको। मैं यार टाइम भी देखना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले की दो रीडिंग के लिए देखा है, तो टाइम देखने दीजिए।
टाइम डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको ये बोला जा रहा है कि भाई आप स्ट्रांग हो जाओ इंटरनली, या वट एवर, आप भी अपना ब्रेन स्ट्रांग कर लो, आगे जाके भी तो आपको होना ही है। और अपने काम पर फोकस करो फिलहाल, आप आपकी एनर्जीज के ऊपर, आपके वर्क के ऊपर, काम के ऊपर। फाइनेंशियल सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है जी। वेन विल टाइम फेवर यू, बता दो भाई, बता दो, इतने देर से तो सब चली। हाँ, फाइनेंशियली अभी आप इतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो ना जितना आप करना चाहते हो। रीज़न थोड़ा सा वही नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप एक्सप्रेसिव भी नहीं हो, इसलिए आपको लगता है आपके पास जितना है उसको संभाल कर रखो, शेयर नहीं करना है मेरे को। थोड़ा प्राउड भी हो सकते हो आगे जाके जब मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। इस वाले हेल्थ इश्यूज भी हैं, ठीक है, हमारा यहाँ पे। और एक्शंस क्यों नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज मे बी आपका आपकी फैमिली के साथ कभी कभी इश्यूज हो जाते होंगे, इम्बैलेंस हो जाता होगा फैमिली में, जिसकी वजह से ना वो जर्नी फिर से वैसी हो जाती होगी कि एनर्जी डाउन, एनर्जी डाउन हो जाता होगा यहाँ पे, ठीक है जी। या एक एक, एक इस ग्रुप के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, एनर्जी के ऊपर काफ़ी वर्कआउट करे ये ग्रुप अपना, ठीक है, जरूरी है। अगर आप अपनी एनर्जी के ऊपर वर्कआउट करते हो ना, तो किसी की भी नेगेटिव एनर्जी जो है हमारे सामने यहाँ पर टिक नहीं सकती, या फिर कोई भी हो, वट एवर इट इज, दैट विल प्रोटेक्ट यू। दिस इज़ योर ओन एनर्जी, मेल हो डजेंट मैटर, फीमेल हो तो अच्छा, ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है। मे बी आप किसी को वर्शिप करते हो, मानते हो, पूछते हो, या आपको लगता हो किसी की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और वहीं से ही आपको सक्सेस भी मिलेगी, सक्सेस भी आपको वहीं से ही मिलेगी। तो घर में भी अगर अगर घर में भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं, इफ़ यू आर मेल, तो घर में भी थोड़ा सा ना फीमेल फिगर जो है, मदर है, वाइफ है, तो उनके साथ आपको थोड़ा सा रखना है रिलेशनशिप वगैरह में, यू नो। देखिए आया ना मून का कार्ड यहाँ पे, मून का कार्ड हम क्या बताते हैं, ऑफ कोर्स मून का कार्ड यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। क्यों? इश्यूज जो है ना वो कुछ अदर रीजंस की वजह से भी हैं, कुछ नेगेटिविटी की वजह से भी हैं, कुछ इल्यूजन्स भी हैं यहाँ पे, ग्रोथ में इश्यूज, एक्सपेंशन, रिलेशनशिप, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, बैलेंस नहीं होना, क्योंकि हम अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करते हैं, हम उस तरह से नहीं करते हैं जैसे हम दिमाग लगाते हैं। दिमाग नहीं, अपना पैशनेट एनर्जी यूज़ कीजिए इसमें, ये वाली एनर्जी का यूज़ कीजिए इसमें, अपने इंटरनल एनर्जी जो कि काफ़ी स्ट्रांग है उसका यूज़ कीजिए इसमें। मेरे पास ना यहाँ पे ना जैसे दो ग्रुप के लिए आया था ना एक प्रॉपर टाइम बोलते हैं, जिसको वैसा नहीं आ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि इस ग्रुप के पास तो काफ़ी एनर्जीज हैं। अगर हम ग्राउंडिंग की एनर्जी देखा जाए, ग्राउंडिंग की एनर्जी अगर आप इसमें अपना यूटिलाइज करते हो, तो जो है काफ़ी आपको मिलेगा। नेगेटिविटी को जैसे जैसे आप दूर करते रहोगे ना, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में देखोगे। खाली एक कार्ड देखने वाली हूँ मैं आपका, या हीलिंग की जरूरत है आपको, इस वाले ग्रुप को हील करते रहिए। एक और कार्ड देखना है मेरे को, चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं। और उसके बाद है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, सॉरी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, वाओ देन है आपका सक्सेस का कार्ड। भाई आपकी आपका एक ही इशू है, जो भी लोग आपकी सक्सेस एनर्जी को छुड़ा रहे हैं, ब्लो देम आउट, ठीक है। बस आप छोटे छोटे से चीज़ों काम करके अपनी नेगेटिविटी हटाते रहिए। जब मैं ये बात बोलती हूँ इसका मतलब कोई कर्मकांड नहीं होता है, आपकी खुद की भी एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग होती है। या जो भी है, आप दुर्गा कवच का डेली पाठ कर लो, कैम्फर जो होता है उसका यूज़ कर लो, साइकिक एनर्जीज का अपना यूज़ कर लो, तो वो आपका आपके ऊपर भी डिपेंड है। यहाँ पे काफ़ी कुछ फाइट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, एंड यू विल गेट सक्सेस। क्योंकि ये थर्ड वाले में ना मेरे को ज़्यादा आया नहीं है। आप किसी हो सकते किसी स्ट्रांग उससे भी बिलोंग करते थे पहले, छोड़ दिया होगा तो शायद इश्यूज हुए होंगे, पहले की भी बात हो सकती है, वट एवर इट इज़। क्योंकि कभी कभी मैसेजेस बहुत ज़्यादा आते हैं और आज इतना टाइम नहीं है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इस ग्रुप को जो है हम आके भी कंटिन्यू करेंगे रीडिंग को, और नेक्स्ट रीडिंग मैं उसके ऊपर ही करने वाली हूँ, यू नो व्हेन टाइम विल फेवर यू, और आप कब ओवरकम करेंगे अपनी प्रॉब्लम से या क्या है, ठीक है जी। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विथ यू, इफ़ यस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ये मैसेज मैंने फर्स्ट और सेकंड उसमें दे दिया है, यहाँ पे अगेन दे रही हूँ, यस आई एम फाइन एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो थोड़ा सा घर पे हीलिंग टैरो रीडिंग वगैरह चल रहा था, फीवर ठीक हो चुका था, थोड़ा सा इन्फेक्शन या वट एवर वीकनेस थी, रेस्ट इज फाइन। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के कंसर्न के लिए, जिनके भी पर्सनल मैसेजेस आए हैं। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड एंड बाय बाय।